एवरीवन, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो आज हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 26, राइट? सो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट भी चैप्टर का समझ चुके हैं। अभी तक वीडियो नहीं देखी है, जल्दी से देख लीजिए बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या गिवन है। इफ 12th टर्म ऑफ एन AP इज -13, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, ट्विस्ट है थोड़े से, लेकिन बहुत ईजी है कंसेप्ट। अगर आपने बेसिक जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर आपने वो समझा है, देन आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और इजिली समझ पाएंगे। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा बेसिक कंसेप्ट एक वीडियो है जिसमें सभी एक्सरसाइज का निचोड़ आपको गिवन है, वो देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा उसे, देन आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज आपको डिफिकल्टीज आएंगी। ओके, सो आइए क्वेश्चन नंबर 26 इज गिवन दैट इफ 12th टर्म ऑफ एन AP इज -13। 12th टर्म यानी कि इंडिविजुअली 12th टर्म की वैल्यू दी है, इट मींस A12 की वैल्यू दी है कितनी, -13। सम ऑफ इट्स फर्स्ट फोर टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स, दैट मीन्स जो फोर टर्म्स हैं S4, उसकी वैल्यू कितनी दे दी आपको, 24 दे दी। ऐसे लिखते हैं ना फ्रेंड्स हम लोग, सेम हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, S4, बिकॉज हमें फर्स्ट फोर टर्म, जैसे n टर्म्स का सम होता है, ऐसे फोर टर्म्स का सम दिया, सो वी राइट इट एज S4 = 24। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, S10 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, दैट मीन्स आपको फर्स्ट 10 टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे क्वेश्चन, यहाँ बहुत ज़्यादा टिपिकल है, बट आइए सॉल्व तो करना ही है, ठीक है? सो देखते हैं, हमें A12 गिवन है, S4 गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूले, SN = A1 + N - 1 × D, राइट? SN = अगर N/2 A1 + An, राइट? या फिर सेकेंड फॉर्मूला SN = N/2 2A + N - 1 × D, ये होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है? सो आइए देखते हैं, A12 आपको गिवन है, दैट मींस आपको n की वैल्यू कितनी गिवन है, 12 गिवन है। सो यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, A12, n की वैल्यू 12 पुट कर दीजिए, A1 आपको नहीं मालूम, प्लस n की वैल्यू कितनी मालूम है, 12 मालूम है, -1 × D की वैल्यू भी आपको नहीं मालूम, A12 की वैल्यू कितनी है, -13 आपको मालूम है। सो ये हमने पुट कर दिया, A1 + 12 - 1 = 11 D, ठीक है? सो यहाँ से हम A1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 11 D को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, सो A1 = -13 - 11 D, राइट? इसे हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन 1। सो हमें यहाँ से A1 की वैल्यू मालूम हो गई D की फॉर्म में, राइट? सो आइए आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें फर्स्ट फोर टर्म्स का सम मालूम है, दैट मींस हमें S4 की वैल्यू मालूम है, यहाँ से हमें n की वैल्यू कितनी मालूम है, हमें मालूम है कि हमारी n की वैल्यू कितनी है, 2 है, राइट? सो अगर हम बात करते हैं फॉर्मूले की, S4 = हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बिकॉज हमें लास्ट टर्म नहीं मालूम है, ठीक है? सो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, S4 = N/2, दैट मीन्स 4/2 2A, यानी कि 2A1 + N - 8, इट मीन्स 4 - 1 × D, ओके? नाउ 2 × 2 = 4, सो S4 = 2 × 2A1 + 3D। नाउ A1 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, अगर हम S4 की वैल्यू आपको कितनी मालूम है, S4 की वैल्यू भी मालूम है भाई हमें, कितनी गिवन है, 24, 2 अपॉन में आ जाएगा, = 2, A1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, -13 - 11D + 3D, ओके? सो यहाँ से 12 आ जाएगा, ठीक है? = 2 × ओपन ही कर लीजिए, ठीक है? सो 13 × 2 = कितना होता है, 26 हो गया, तो -26, 11 × 2 = 22, तो -22D + 3D, -26 लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 12 + 26, एंड यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 22 है, यहाँ पे 3 है, माइनस का साइन है, तो -19D हो जाएगा हमारा, ठीक है? सो ऐड कीजिए, 38 = -19D, ओके? सो यहाँ से आपके डी की वैल्यू आ जाएगी 38 / -19, ठीक है? तो 19 × 2 = 38, दैट मीन्स आपकी डी की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, राइट?
अब आगे क्या करते हैं, हमें डी की वैल्यू मालूम हो गई, ये फॉर्मूलेस थे इनको अलग लिख लीजिए, ठीक है। डी की वैल्यू मालूम हो गई, इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए, जिससे हमारी ए वन की वैल्यू मालूम हो जाएगी। सो ए वन इक्वल्स टू -13 -11 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है, -2 आई है। सो -13 माइनस माइनस प्लस 11 टू जर 22, 22 में से जब 13 माइनस करेंगे, 12 में से 3 माइनस करेंगे 9, एंड 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। दैट मीन्स ए वन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, यहाँ से 9 आ जाती है। क्लियर है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, S10 आपको कैलकुलेट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है। दैट मीन्स हम कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं, ये वाला फॉर्मूला 10 टर्म्स के लिए, S10, n की वैल्यू कितनी है 10, फर्स्ट 10 टर्म्स के लिए। तो 10 अपॉन 2, 2a यानी कि 2a1, ठीक है। तो आप यहाँ पे a1 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो 2 into 9 प्लस n माइनस, दैट मीन्स 10 माइनस, n की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2। सो 2 5 10 5 आ जाएगा, 9 2 18, ठीक है। एंड ये प्लस 9, ये प्लस माइनस, ये जो -2 है इसका साइन इधर आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 into 2। ओके, सो 5 into 18 -18, 9 2 18, S10, दैट मीन्स इक्वल्स टू 0। 18 में से 18 माइनस करेंगे 0, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। इस इट मीन्स सम ऑफ 10 टर्म्स किसके इक्वल आ गया, आपका 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। सो ये हो गया आपका आंसर, यही आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। सो हमें क्लियरली गिवन था कि आपको सम ऑफ क्या गिवन था आपको फ्रेंड्स, आपको 12 टर्म्स की वैल्यू गिवन थी, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, आपको 12th टर्म की वैल्यू गिवन थी, दैट इज -12। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स की वैल्यू गिवन थी, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स की आपको फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो आपके 12th टर्म की वैल्यू थी उससे ए वन वर्ग की वैल्यू कैलकुलेट कर ली डी के टर्म में। देन आपने सेकेंड फॉर्मूला, जो आपका 4 टर्म्स की का सम मालूम था, उससे आपने डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब ये डी की वैल्यू इस ए वन में पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। एंड देन हमें क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मालूम करना था, तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया जो कि आपके 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। यही चीजें आपको फाइंड आउट करनी थी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। समझ आया, वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, सभी फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो सभी के लिए हेल्पफुल हो। और जो चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है, मस्ट है, आपको वो देखना ही देखना है। अगर आप इस चैप्टर का सब पूरा कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए वो सॉल्व करना चाहते हैं, तो ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।